प्रदेश में मंत्री पद हासिल करने के बाद सोलन के गर्भ पुल के प्राचीन देव स्थल पर ब्रजेश्वर देव जी का आशीर्वाद लेने पहुंचे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सहकारिता मंत्री डॉक्टर राजदीप सहजल, स्थानीय लोगों व कमेटी के सदस्यों ने उनका वहां पहुंचने पर भव्य स्वागत किया। लेकिन इस मौके पर डॉक्टर राजीव सहजल के आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत करने में परहेज रखते हुए आर्टिफिशियल फूल से ही उनका स्वागत किया। मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने सर्वप्रथम देव स्थल पहुंचकर ब्रजेश्वर देव जी महाराज का पूजन किया। उसके बाद उन्होंने मंदिर परिसर में बने नव निर्मित भवन का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डॉक्टर राजीव सहजल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया। इसके पश्चात आंगनबाड़ी के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से सभी अतिथियों की जमकर तालियां बटोरी। वहीं नौनिहालों के जादू की छड़ी कार्यक्रम के दौरान आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं की मेहनत को देख सभी ने कुर्सियों से उठकर अभिनंदन किया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सहकारिता मंत्री डॉक्टर राजदीप सहजल ने मंदिर कमेटी की मांग पर मंदिर परिसर का आंगन बढ़ाने के लिए 5 लाख रुपए की धनराशि देने की घोषणा की। उन्होंने भारतीयों से गर्भ पुल मार्ग दुरुस्त करने के लिए लोक निर्माण विभाग अधिकारियों को नीति बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र के विकास हेतु सूची तैयार करने के लिए आग्रह भी किया। यह एक कार्यक्रम यहाँ पर है जिसमें मुझे यहाँ पर जो है शिरकत करनी है और इस स्थल को जो है किस प्रकार से और हम विकसित कर सके, पर्यटन की दृष्टि से भी इस स्थल का विकास हो और ये हजारों लोगों की श्रद्धा का केंद्र है और ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं हम लोगों को यहाँ पर दे पाए, उस नाते भी जो है आज यहाँ स्थानीय जो हमारी कमेटी है और जो संचालक है और जो पुजारी वर्ग है उनके साथ मशवरा करके भरसक प्रयास करेंगे कि यहाँ पर सुविधाएं जो हैं वो श्रद्धालुओं को सरकार की ओर से दी है। सर, टूरिज्म से भी कुछ बढ़ावा यहाँ मिलेगा, जैसे कि आपने फर्स्ट टाइम कृत्रिम झील के लिए बोला था यहाँ, तो क्या उस पर कुछ बढ़ावा रहेगा? देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल रहेगा और टूरिज्म जो है ये मात्र जो है वो पर्यटन स्थल ना बने आम पर्यटन स्थलों की जगह, इसकी जो शुचिता है, इसकी जो पवित्रता है, उसका भी जो है हमें ध्यान रखना होगा। उस दृष्टि से किस प्रकार से इसको विकसित किया जाएगा उसका जो उसके ऊपर हम विचार करेंगे।